हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीएस देखो और सीखो। चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूट्यूब में अपने बैनर कैसे बनाते हैं, प्रोफेशनल बैनर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फ्रेंड्स, इसी तरह का वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड बना लेना है फ्रेंड्स, बैनर बनाने के लिए, यूट्यूब बैनर बनाने के लिए। तो मेरा जैसे बना हुआ है ये देखिए, ठीक है, इस साइज़ का आपको बना लेना है। अगर आपको यही वाला बैकग्राउंड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा, आप लोग यहाँ से भी डाउनलोडिंग करके बना सकते हैं। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग को जो कुछ काम करना है, लिखना है, फोटो डालना है, जो कुछ डालना है इसी के अंदर, यही वाला साइज है। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा भी बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको ले चलते हैं पिक्सेल लैब में, ठीक है, और आप लोगों को बताते हैं। पिक्सेल लैब में आ गया है देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे दिखा रहा 16:9, ठीक है, ये वाला साइज ले लेना है। ठीक है, उसके बाद ओके कर देना है। ठीक है, आ गया यहाँ, अभी देखिए ध्यान से देखिए, देखिए फ्रेंड्स ये वाला साइज तो आ गया है फ्रेंड्स। इसी के अंदर हम लोगों को करना है, हम बता दिए पहले। तो सबसे पहले हम लेके आएंगे ये प्लस का आइकन में दबा के, गैलरी में जाके एक अपना फोटो लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया फ्रेंड्स इसको, ठीक है, इसी के अंदर अभी छोटा करके लगाना होगा। ठीक है फ्रेंड, यूट्यूब का बैनर साइज यही है, ठीक है, सेट हो जाएगा इस तरह से। आप इसके अंदर सेट कर लीजिएगा छोटा सा, ठीक है, ठीक है, इसको स्ट्रोक भी दे सकते हैं, वो अपना मर्जी से आप जैसे भी सजा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसे सिंपल सिखाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए स्ट्रोक देने से कैसे लगेगा, इस तरह से लगेगा, ब्लैक देने से इस तरह लगेगा। ठीक है, मैं स्ट्रोक उस्ट्रोक कुछ नहीं देता हूँ, ठीक है, ऐसे दे दे रहा हूँ। ठीक है, हो गया, इसको फिर ठीक से सेटिंग कर देना है एकदम नीचे तक। ठीक है, हो गया, हो गया, उसके बाद इसको लॉक कर देना है। ठीक है, नहीं तो इधर उधर हिले डुलेगा, भागेगा। ठीक है, लॉक हो गया, उसके बाद यहाँ पर लिखना है, ठीक है, आपका चैनल का नाम लिखना है। ठीक है, आपका चैनल का नाम लिखना है, मैं जैसे लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, टच टच कैल टेक्निकल शंकर, ठीक है, टेक्निकल शंकर जैसे वाला दिखाने के लिए लिख दिया हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है, लाने के बाद इसको फॉन्ट थोड़ा स्टाइल से चेंज कर देंगे, अच्छा लगेगा। फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट में जाके यहाँ पर बहुत सारा मेरा डाउनलोडिंग किया हुआ है तो मैं ए वाला रख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ए वाला फॉन्ट, उसके बाद ओके कर देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा स्टाइल से कलर वलर कर देते हैं। ठीक है, ए वाला कलर दे दिए हैं और थोड़ा इसको स्ट्रोक कर देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, व्हाइट वाला कर देंगे। ठीक है, देखिए, ठीक है, और एक बार इसको शेडो कर देते हैं थोड़ा, और अच्छा लगेगा। देखिए, हो गया, हो गया टेक्निकल शंकर। ठीक है, सॉरी टेक्निकल छूट गया यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अभी ठीक हो गया, टेक्निकल शंकर हो गया। उसके बाद इसको भी लॉक कर देना है, लॉक करते जाना है, तब क्या होता है ना फ्रेंड्स, इधर उधर नहीं भागता है, नहीं। ठीक है, उसके बाद हो गया, उसके बाद चैनल आपका किसके बारे में है तो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स,
मेरा जैसे टेक्निकल एंड एडिटिंग के बारे में है, ठीक है। तो टेक्निकल एंड एडिटिंग लिख देना है, ठीक है। टच एंड एडिटिंग, टच एंड एडिट, ठीक है, इतना लिखते हैं। और इसको नीचे लाके यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसको भी थोड़ा फॉन्ट देना है अलग, ये ला दे देते हैं यहाँ पर। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड, हो गया। अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसको भी कलर थोड़ा कर देते हैं यहाँ से, सॉरी। कलर हो गया। और थोड़ा सा स्ट्रोक दे देते हैं, स्ट्रोक, देखिए स्ट्रोक लग गया और थोड़ा डीप आ गया, ठीक है, हो गया। उसके बाद इसको भी लॉक कर देना है, लॉक करते जाना है, ठीक है। लॉक हो गया, इतना दूर हो गया। उसके बाद हमको एक YouTube का लोगो डालना है, ठीक है। तो प्लस में आइकन दबा के, कहाँ है मेरा, यहाँ पर दबाएंगे। उसके बाद जाएंगे गैलरी में, जाएंगे गैलरी में के जाने के बाद एल्बम में जाएंगे, उसके बाद अदर्स में जाएंगे, उसके बाद मेरा इसमें है, उसके बाद इसको लाएंगे। कहाँ है YouTube का लोगो, ये वाला डाल देते हैं, ठीक है मेरा ये वाला, ठीक है। इसी को इसको छोटा करके ठीक है यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लोगो डालेंगे मेरा इंस्टाग्राम का, ठीक है। आप जैसे जैसे भी सजा सकते हैं, मैं इसे सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा फेसबुक का भी डाल देते हैं, फेसबुक भी आ गया। इसको भी छोटा करके लगा देते हैं। लिख भी सकते हैं नाम, मैं सिर्फ ऐसे लोगो ही दे देता हूँ, ठीक है। PNG सब दे देते हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद देना है मोबाइल, देना है मोबाइल का PNG, मोबाइल का PNG दे देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि टेस्ट से रिलेटेड है। इसको इस जगह में दे देंगे, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद एक लैपटॉप को लाके रख देंगे। बहुत ही आसान है, इस तरह से बनाइएगा आप लोग। खाली साइज आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसी के अंदर। अगर इधर बना देंगे ना तो एडजस्ट नहीं होगा, वो बाहर चल जाएगा। इसी के अंदर आपको बनाना है, ठीक है। बस इतना ही करें, जैसे मैं इतना ही बना लूँगा, ठीक है। ये हो गया आपका, जैसे सजा लिए कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप यहाँ से सेव में जाइएगा, सेव एज इमेज कीजिएगा, इसको डालिएगा अल्ट्रा में, उसके बाद सेव टू गैलरी कर दीजिएगा, ठीक है, हो गया कंप्लीट। उसके बाद होम पेज में जाके आप देखिए किस तरह से बना आपका, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बन गया, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से, ठीक है। अभी इसको किस तरह से लगाते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए आपका प्रोफेशनल बिनार बन गया है यूट्यूब के लिए, ठीक है।
तो आशा करते हैं फ्रेंड्स मेरा वीडियो थोड़ा सा भी जानकारी मिला होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।